तो परसों होने वाला है मंडे नाइट रॉ, एंड परसों का मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड क्या ऐसे में जो है हमें ओमोज अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर, इसके रिगार्डिंग क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को बस आपको एंड तक देखते रहना है, ना फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। तो परसों जो मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिलने वाला है, एक्चुअल में तो मंडे नाइट रॉ कल होने वाला है लेकिन इंडिया में हमें एक दिन लेट देखने को मिलता है, तो परसों मैं कहूंगा कि परसों हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा। तो क्या उस रॉ पे ओमोज अटैक करेंगे ब्रॉक लेसनर पे? तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया है कि अभी जो है इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत चांसेस कम है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की जो अभी मेन राइवलरी है वो चल रही है रोमन रिंग्स के साथ, एंड जब तक खत्म नहीं हो जाती उनकी फ्यूड रोमन रिंग्स के साथ तब तक मुझे नहीं लगता किसी और सुपरस्टार को ऐड करेगी WWE ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ऐसे में जो है हमें ओमोज अटैक करते हुए नजर आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी हमें ये देखने को मिल सकती है कि फेस टू फेस जो है ओमोज और ब्रॉक लेसनर का करा सकते हैं, जिससे एक अपॉर्चुनिटी ये बनी रहेगी कि जब रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच खत्म होगा रेसलमेनिया 38 में, उसके बाद जो है हमें अटैक करते हुए नजर आए वहां पे ओमोज ब्रॉक लेसनर के ऊपर। अब अगर ऐसा जो है हमें पहले से ही कुछ बिल्टअप कराते हुए नजर आ जाती है WWE स्टोरी लाइन पे, तो हमें देखने को मिल सकता है ओमोज का अटैक ब्रॉक लेसनर पे रेसलमेनिया 38 में, एंड उसके बाद इनका मैच भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब तो यार हमारे ड्रीम्स है, ये सब सच कब होगा जब WWE इसको अप्लाई करेगा, एंड अभी इसको अप्लाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है WWE। तो इसके रिगार्डिंग अभी बहुत कम चांसेस है कि आने वाला जो मंडे नाइट ड्रॉप है उस पर हमें ओमोज ब्रॉक लेसनर को फेस करते हुए नजर आए। लेकिन यार एक ना एक बार तो इनका आमना सामना जरूर होगा, एंड इनका हमें मैच भी देखने को मिलेगा, एंड जब भी देखने को मिलेगा इनका मैच एकदम सुपर मैच होने वाला है ओमोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। तो काफी ज्यादा शानदार हमें इनकी राइवलरी देखने को मिलेगी जब भी इनकी राइवलरी स्टार्ट होगी, हो सकता है रेसलमेनिया के बाद हमें रेसलमेनिया बैकलैश में या फिर मनी इन द बैंक समर स्लैम जब भी ये राइवलरी देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को जब मिलेगी तब ये होगी काफी ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो बाकी तो यार ओमोज और ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग जो कुछ पॉसिबिलिटीज थी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल नया चैनल सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपको लगता है ओमोज अटैक करेंगे ब्रॉक लेसनर पे या फिर नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।